नाचे दुनिया भर ना राजा छे, आगे चढ़ी ने सागर जड़ कुंदर जड़ के थे, तीरा पीतांबर पहरिया सी, पग मांझा जर जम के थे, यमुना किनारे खाचे, मीठी मीठी बंसरी वगाड़े छे, गोपियों ने रात रमाड़े छे, रुम झुम रुम झुम नाचे थे, रुम झुम रुम झुम नाचे थे। ओके प्रत्यक्ष मूड नहीं है बेटा, आर यू ओके? क्या हो गया? हाँ? क्या हो गया? आपने स्माइल भी नहीं की, क्या हुआ प्रत्यक्ष? थक गया। गए हो? अच्छा इतना सारा खेलते हो कि थक गए? ओके ओके फाइन। तो अभी हम लोग थोड़ा आज सेलिब्रेशन कर ले। डू यू नो व्हाट इज टुडे? वी वुड बी डूइंग अ सेलिब्रेशन। ये सेलिब्रेशन मींस ऐसा नहीं कि हम लोग बर्थडे पार्टी करने वाले हैं, बिकॉज टुमारो इज 2nd अक्टूबर। टुमारो इज अ हॉलीडे, टुमारो इज अ 2nd अक्टूबर, एंड बट टुमारो, तो टुडे वी वुड बी सेलिब्रेटिंग द बर्थडे ऑफ होम। किसकी बर्थडे हम लोग आज सेलिब्रेट करने वाले हैं? कौन बोलेगा? चलो कौन बोलेगा? सनाया। चलो सनाया बोलो। गांधी बापू गांधी बापू जी की? अरे वाह, ओके गुड। उनकी रियल बर्थडे कब आती है? सेलिब्रेट हम लोग आज कर रहे हैं, उनकी बर्थडे कब है? जैसे आपकी बर्थडे, जैसे मेरी बर्थडे है जून में, तो उनकी बर्थडे कौन सी डेट पे आती है? कौन बताएगा मुझे? जस्ट रेज योर हैंड इफ यू आर नोइंग द आंसर। यस यज्ञा, चलो मैम, आपकी बर्थडे 28 पे आती है ना? गांधी नहीं, गांधी जी बापू की। एटी मेरी बर्थडे तो बेटा जून में क्या आती है। गांधी बापू बोल की बर्थडे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। रहे हो? 8069 बोलो, पूरी पूरी डेट, पूरी डेट। 2nd अक्टूबर 1869। सेकेंड अक्टूबर 1869। वेरी गुड, यस इट इज ऑन द 2nd अक्टूबर, 2nd अक्टूबर 1869। ओके वेरी गुड। बस जो बर्थडे की बात निकली है, तो सम्राट की बर्थडे अभी 2 दिन पहले ही गई है। सम्राट अनम्यूट योरसेल्फ, मैं 2 दिन से आपको पूछ रही थी बट आपका शायद रिसेप्शन। क्या बेटा? हाँ मुझे पता है, बिकॉज आपकी आपका 2 दिन से कनेक्ट नहीं हो रहा था, तो मैं आपके बर्थडे विश करना चाहती थी आपको। नो वरी, ओके मैं सबको अनम्यूट करती हूँ, हम लोग सब सम्राट की बर्थडे विश करेंगे, बर्थडे सॉन्ग गाएंगे। ओके तो 2 दिन से कनेक्ट नहीं कर पा रहा था। एवरीवन अनम्यूट योरसेल्फ। ओके फाइन, चलो लेट्स सिंग द सॉन्ग फॉर सम्राट। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
बर्थडे चलो सबने आपके लिए बर्थडे सामना चलो गुड बॉय ओके थैंक यू फ्रेंड्स हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे सम्राट Okay, that was a celebration. Who is mute? Still not muted. Fine. So, we will now concentrate. अभी हम लोग गांधी बापू के बर्थडे के बारे में बोले? Okay. It is called गांधी बापू की जो बर्थडे है, that is on 2nd October 1869. We get a holiday on that day. It is as our national festival. It is celebrated as our national festival. Okay? And what Gandhi Bapu is called? Unko kya bolte hai? Koi bol sakta hai usko? The another name of Gandhi Bapu. Apne India ke liye unko kya bolte hai? Yes, Purvi. Bapuji. हाँ उसका निकनेम बापूजी है निकनेम यानी उनको प्यार से बापूजी बुलाते बट उनको सब क्या बोलते हैं फादर ऑफ द नेशन Father of our nation. Yes, very good. It is father of our nation. Who is the father of our nation? Gandhi Bapu, right? Now, and the nickname, jaise Purvi ne bola, Bapuji, okay? What is the full name of Mahatma Gandhi? Unka pura naam kya hai? Mahatma Gandhi ka pura naam. The full name of Mahatma Gandhi. Yes, Purva. मोहनदास करमचंद गांधी वेरी गुड यस मोहनदास करमचंद गांधी गुड और अपने रुपीस पे ओके अपनी नोट्स पे अपने करेंसी इंडिया की करेंसी पे किनका फोटो होता है शिवांश अपनी नोट्स होते हैं ना पैसे करेंसी जिसको बोलेंगे अपने इंडिया के उसमें किन किसका फोटो देखा है आपने गांधी बापू का गांधी बापू का अरे वाह वेरी नाइस गांधी बापू का वेरी गुड एंड उन्होंने क्या किया था कि उनका फोटो हम लोग करेंसी पे ले रहे हैं उन्होंने क्या किया था वो क्यों जाने जाते थे एंड व्हाई ही इज नोन एज अवर व्हाट ही इज नोन फॉर Yes, Riyanshi. वो क्यों जाने जाते किसके लिए जाने जाते हैं वो What he has done? वो अब बोलो. He was a great leader. Very good. He was a great leader. Okay. अब वो बोलते हैं Don't have, do not talking. I will. Here, here. Don't. Hear evil, don't speak evil. हाँ वो तो उनके principles थे but उन्होंने India के लिए क्या किया था How he helped India, so he become the How he helped India? Freedom.
फ्रीडम मुझे नहीं मालूम, खुद बताओ तुम मैम को. मैम क्या पूछ रही है? मैम से पूछो, मैम क्या पूछ रही है? मैम आप क्या पूछती है? मैंने पूछा कि गांधी बापू ने व्हाट ही हैज डन फॉर आवर कंट्री इंडिया, व्हाट ही हैज डन. Yes, I was just muted. Yes, Soham, it is on Friday. Very good. And abhi dekha apka chat. Okay. Fine. So let's see. He was a great leader. Okay, chalo Riyanshi bolne wali thi. Unmute ho gaya. Chalo Riyanshi, chalo unmute kare. Again, you are just देश को देश का इंडिपेंडेंस. मेरे को क्यों देखती है? चलो बोलो. देश को इंडिपेंडेंस बोलो ना. क्या? इंडिपेंडेंस करे गांधी. हाँ गांधी ही करे. हाँ वेरी गुड, यू ट्राइड वेरी नाइस. He fought as a freedom fighter. He was the main freedom fighter. Freedom yani independence. India ko independence banane ke. Main aapko nahi bolti hu hamesha. Independence ka matlab kya hota hai? Ki khud se karna. India ko kaun chalata tha tab? British. Jo British bolte the wo hum log ko karna padta tha. Yeah? तो हम लोग वो इंडिपेंडेंट नहीं थे, वो कोई बाहर के कंट्री वाले हमको बोलते थे, हम लोग करते. इंडिपेंडेंट मीन खुद से खुद का करना. आई ऑलवेज टेल यू कि आपने वो जो थ्रेड कर किए थे, शूज की थ्रेड लेस बांधना सीखा था, तो क्यों सीखा था? कि आप इंडिपेंडेंट बनो. ओके, समटाइम्स वी प्रिपेयर्ड अ सैंडविच. क्यों? अगर मम्मा कहीं काम से बाहर गई है and you are hungry, then you can prepare it by yourself because you are learning to be independent. The same way the meaning is independence. Okay? अपने लोग, अपने country के ही लोग अपनी country को चलाए, उसलिए independence. कोई बाहर के लोग नहीं चाहिए हमको. इसलिए महात्मा गांधी ने fight की थी. क्या किया था? Fight की थी British के सामने. और उनको कैसे फाइट की थी? ये नहीं कि झगड़ा किया, मारा, ऐसे फाइट नहीं की थी. कि उनके दो मून हथियार कौन थे बताए? कौन से दो हथियार थे? हथियार यानी नो वेपन्स. एंड के वेपन्स है ट्रूथ, सच बोलना, और नॉन वायलेंस यानी अहिंसा. मारे बगैर उनसे आजादी ली थी, झगड़ा किए बिना. Have you all seen लगे रहो मुन्ना भाई? मुन्ना भाई MBBS करके एक पिक्चर है, फिर एक दूसरा मूवी आया था लगे रहो मुन्ना भाई. इट इज अ गुड मूवी. उसमें है कि फाइटिंग किए बिना हम लोग को काम करवाना. ओके, अगर आप लोग क्लास में हो अभी और मुझे बताओ, अगर मैं गांधी बापू के सिद्धांत पर यानी उनके कहे रास्ते पर चल रही हूँ और समझ लो कि कि दिव्यांशु ने है ना बहुत मस्ती कर रहा है, दिव्यांशु
और मैं उसको बोलती हूँ, दिव्यांशु डोंट दिस, डोंट डू, मैं गुस्सा कर रही हूँ दिव्यांशु पे, और बेटा जस्ट एग्जांपल ले रही हूँ, हाँ दिव्यांशु जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, आप मुझे बताए मस्ती नहीं करते हो, बट फिर हाँ फिर मैं दिव्यांशु को डांटती हूँ और मारती हूँ, क्यों की मस्ती, क्यों की मस्ती, दैट इज आई एम नॉट डूइंग, मैं गांधी जी बापू के उसूलों पर उनके कहे रास्ते पर नहीं चल रही. हाँ बट अगर मैं ये दिव्यांशु को बेटा ऐसा मत करो, बेटा आप ये खेल सकते हो, मैं उसको दूसरी गेम्स दे दूंगी या फिर कुछ लिखने के लिए दे दूंगी ताकि वो बातें ना करे, मस्ती ना करे, है ना, और उनसे ये बोल दूंगी दिव्यांशु ये मत करना. हाँ बेटा अच्छा चलो 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 हम लोग दूसरी जगह बैठते हैं, उसका ध्यान भी बढ़ जाएगा और वो बातें भी नहीं करेगा, मस्ती भी नहीं करेगा, उसको मैंने कुछ काम दे दिया, मैंने गुस्से किए बगैर उसको मस्ती करने से रोका. तो वो मैंने कुछ मारे बगैर, कुछ गुस्सा किए बगैर उसको हैंडल कर दिया. यानी हमको गुस्सा नहीं करना चाहिए, आता है आई कैन ऑल्सो बिलीव दैट कि आता है, पर झगड़ा नहीं करना. दैट वॉट गांधी बापू सेज, उन्होंने हाथ किसी को मारे बगैर किसी को झगड़ा या फिर कुछ भी नहीं किया था उन्होंने, और तो भी उन्होंने आजादी पाई, तो भी वो लोग वो फ्रीडम के लिए लड़े, कैसे, सच बोलकर. मैं हमेशा सच बोलूंगा, जो है वो है. यानी अगर है कि मैंने मम्मा टूट गया है, हाँ मैंने नहीं तोड़ा मम्मा मैंने नहीं तोड़ा, बट अगर सच बोल दो मम्मा मेरे से टूटा है, बट शायद मैं थोड़ी ऐसी मस्ती कर रहा था या फिर गलती से मेरा हाथ लग गया इसलिए टूटा, तो सच बोल दिया ना, एक बार शायद मम्मा गुस्सा भी कर देगी बट मम्मा को ऐसा लगेगा नहीं आपने सच बोल दिया. सी द सेम वे सच बोलना, मैं क्यों बोलती हूँ, अगर आपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं किया है, टेस्ट ले रही हूँ और आपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं किया है, मैं क्या बोलती हूँ, सच सच बता दो, ऑनेस्ट बनो, सच सच बता दो, ऑनेस्ट बनो, तो शायद मैं बहुत खुश हो जाऊंगी. अगर नहीं भी आएगा ना, तो आपने बोल दिया मैम मुझे है ना तो नहीं आता है, पर अगर मैं पूछूं और आपने बोला हाँ मैंने प्रिपेयर किया है और नहीं आया, तो मुझे थोड़ा दुख होगा, है ना, उससे अच्छा मैम मैंने प्रिपेयर नहीं किया, मैं कल पक्का प्रिपेयर करूंगा, मीन्स आपने सच बोला, है ना, कि मैम आपने मुझे, मैंने प्रिपेयर नहीं किया, आपने जो बोला तो मैंने प्रिपेयर नहीं किया, कुछ ये हो गया, बट कल मैं पक्का करूंगा. तो आई वॉन्ट ईच एंड एवरी स्टूडेंट टू एटलीस्ट Say truth, okay? सब लोग सच बोलना है, जो भी, ऐसा नहीं कि टीचर के साथ, किसी के साथ भी हमको सच बोलना है, okay? And उनके principles, उसूल, आपके लिए एक छोटा सा वीडियो है, मैं शेयर कर रही हूँ. गांधी जी के तीन बंदर जो बोलते हैं बुरा सुनो नहीं, बुरा देखो नहीं और बुरा बोलो नहीं. देखो गांधी जी के तीन बंदर, कौन सा कर रहा है
हमेशा करना तुम ये खूबसूरत बनाना, अच्छे काम हमेशा करना तुम ये खूबसूरत बनाना। Have you seen that? गांधी जी के तीन बंदर, बुराना देखो, बुराना सुनो, बुराना बोलो, okay? Yes. Okay. So tomorrow is Gandhi Bapu's birthday. आपको बताना चाहिए, he is called the father of the nation. The full name is Mohandas Karamchand Gandhi. उनके पापा का नाम बताएं, उनके नाम में ही आ गया, करमचंद गांधी। उनकी मम्मा का नाम बताएं किसी को, पुतली बाई, पुतली बाई। महात्मा गांधी की मम्मा का नाम है पुतली बाई, ओके। और वो कौन से कपड़े पहनते थे, आपने कभी देखा होगा गांधी बापू का फोटो या फिर उनको पिक्चर पे, ही वॉज जस्ट वेयरिंग अ धोती, इन दैट टू व्हाइट धोती, और कभी इस पर डाल दिया थोड़ा, ओके। ही वॉज वेयरिंग ओनली खादी क्लोथ्स। उनकी हॉबी क्या थी, कौन बताएगा उनकी हॉबी क्या थी, ओके दिव्यांशु? चरखा, चरखा चलाना, वेरी नाइस, वेरी गुड। वो क्या करते थे, स्पिन करते थे चरखा, और उनसे जो जो कॉटन खादी वही कपड़े वो पहनते थे, है ना। तो उन्होंने कभी कोई और कपड़े नहीं पहने, आपने कभी देखा है गांधी बापू को कहीं उनके मूवी में या कहीं और, सिर्फ वो व्हाइट खादी कपड़े ही पहनते थे, है ना। सो और हमेशा सच बोलते थे और कभी किसी से झगड़ा नहीं करते थे। देयर इज अ वन स्टोरी रिलेटेड टू द ट्रुथ, just let me search for you. Okay, fine. So there is a one story we'll share with you. Let's look at how business hosting is a simple yet powerful solution of shared hosting and meet guests. Meet Joe. He commutes to his business on the bus. Satcha ladka. Satcha ladka. नकल क्यों नहीं, मैंने तुम्हें इशारा किया था, देखा नहीं, देखा बोलिए,
पर मुझे नकल नहीं करनी। तुम अकेले ही हो जिसका उत्तर गलत है। जानता हूँ, पर मैं गलत रास्ता नहीं अपनाना चाहता। शायद आपको सुनाई दे, आवाज क्लियर आ रही थी, थोड़ी स्लो आ रही थी। ओके फाइन, स्टोरी छोटी है बट गांधी बापू जब आपकी तरह पढ़ाई कर रहे थे ना, तब एक दिन सारे सब बैठे थे और उनके टीचर यानी उनके प्रिंसिपल आए और उनसे बोले कि चलो मैं एक स्पेलिंग लिखवा रहा हूँ, आप सबको अपनी अपनी बुक में लिखना है। तो सबने लिखना स्टार्ट किया। जैसे अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ और निहिका मैम आती है और बोलती है चलो क्या सिखाया हिरल मैम ने, चलो मैं एक स्पेलिंग बोलती हूँ, लिखो अपने आप से, आप सबने लिखा। बट गांधी बापू का स्पेलिंग गलत था, तो उनके टीचर ने उनको बोला गांधी तेरा स्पेलिंग गलत है, बाजू में से देखकर सही स्पेलिंग लिख दे। गांधी बापू ने बोला नहीं, मैं कॉपी नहीं करूंगा, मैं नकल नहीं करूंगा, जो आता है वही लिखूंगा। क्यों क्यों हमें ऐसा नहीं करना कि गांधी बापू ने क्यों नकल नहीं की? पूर्वी सेट प्रॉपरली, कौन बताएगा? उन्होंने कॉपी नहीं की एग्जाम में कि मेरा आंसर गलत है तो गलत है, बट मैं बाजू में से देखकर आंसर नहीं लिखूंगा। तो उन्होंने सही किया या गलत किया? सोचो, गांधी बापू ने कॉपी नहीं की। ओके चलो बोलो प्रेक्षा। नहीं की है। हाँ कॉपी नहीं की है, किसी की कॉपी नहीं करनी चाहिए। यस वेरी गुड, हमें किसी में से नकल नहीं करनी चाहिए, यानी चीटिंग होती है ना, वो तो चीटिंग होती है ना। ओके तो हम लोग अभी से, अभी नेक्स्ट मंथ अभी स्टार्ट हो गया है, अगर मैं अभी नेक्स्ट मंथ में जब भी टेस्ट लूंगी कोई मम्मी से नहीं पूछेगा, क्योंकि आप सब ने मुझे प्रॉमिस करो कि आप चीटिंग नहीं करोगे। नहीं आएगा तो मैम को बोल देना कि मैम नहीं आता है, मैं वापस रीड कर लूंगा। बट कोई मम्मा से नहीं पूछेगा ना, पक्का ना? क्योंकि अगर मम्मा से पूछते हो तो आपको आंसर मम्मा बता देगी, बट फिर आपको आएगा आंसर, आप कब सीखोगे? है ना, मम्मा बैठी है ना बाजू में, वो बता देगी। तो ऐसा नहीं करना है, खुद से पढ़ना है और खुद से ही याद करके बोलना है। अगर नहीं आएगा ना तो भी मैं डांटने नहीं वाली हूँ कि क्यों नहीं किया। हाँ पर पढ़ाई करोगे और समझ में नहीं आएगा तो मैं बैठी हूँ आपको, बट पढ़ाई करनी भी इतनी इम्पोर्टेंट है ना। ओके सो दिस वेर द थिंग्स ऑफ महात्मा गांधी। ओके He is a great person, great leader our country have. You know, he was a great freedom fighter. He has the two weapons for the fighting with the British for our freedom, that is truth and non-violence, satya aur ahimsa. Hai na? Aur unke teen principles, unke teen bandar. Kaun the? Bura kabhi देखना नहीं है, बुरा कभी सुनना नहीं है, बुरा कभी बोलना नहीं है। See, when you are going to new school, you would be learning new words. पर आपको बता होना चाहिए कि that are the bad words you are speaking. अच्छा बोलो, है ना? Bad कभी मत बोलो, कभी गंदा सुनो नहीं। अगर आपको ये धीरे धीरे आप जब बड़े होंगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये गंदा है, ये मुझे नहीं सुनना, ये गंदा है मुझे नहीं देखना है, है ना? और उसको हम लोग को ट्राई करना है कि
वो क्लीनलीनेस भी बहुत मानते हैं। अभी हम लोग चलता है सब कुछ स्वच्छता अभियान है ना, देखा तू ना नरेंद्र भाई मोदी ने बोला है स्वच्छता अभियान, स्वच्छता यानी क्लीनलीनेस, उनको क्लीनलीनेस बहुत पसंद थी एंड ही वॉज यूज टू डू अ वेरी क्लीन, जहां भी जाते थे अच्छे क्लीन कपड़े भी क्लीन, उनके प्लेस भी क्लीन, एवरीथिंग शुड बी क्लीन, और वो चाहते थे कि अपना इंडिया भी वैसा ही बने। इसलिए हम लोग अभी क्लीन करते हैं ना, हम लोग अभी क्या करते हैं, वी थ्रो द एनी पेपर ऑन द रोड, नहीं वी यूज डस्टबिन है ना, अगर कोई रोड पे फेंकता भी है तो उनको मना करना चाहिए ना, यूज डस्टबिन है ना। कभी आप कहीं बाहर जाते हो, इफ समटाइम्स व्हाट आई डू, कभी ऐसा है कि चॉकलेट खाने का मन हुआ, बिकॉज मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है, चॉकलेट खाने का मन हुआ, आजू बाजू कहीं डस्टबिन नहीं है, आई पुट दैट रैपर इन माई पॉकेट और फिर घर पर आकर उसको मैं डस्टबिन में डाल देती हूँ, बट कहीं थ्रो नहीं करना है। ओके ओके, तो आज अभी हम लोग ने किया कि घर क्लीन करना है, आप कभी बाहर जाते हो नहीं हो ऐसा, बट मम्मा को भी आपके साथ की हेल्प की जरूरत होती है, तो कीप योर बुक्स इन योर बैग, वैसे क्लीन करो हाउस है ना, अपना खुद का सामान अच्छे से रख दो, अपने कपड़े रख दो, कहीं और फेंको नहीं, मीन्स यू आर हेल्पिंग मम्मा इन योर क्लीनिनेस, यू आर क्लीनिंग द होम। ओके, सो दिस वॉज द थिंग ऑफ महात्मा गांधी। ओके, सो लेट सेलिब्रेट, उनको ऐसा नहीं है कि मेरी बर्थडे केक से ही सेलिब्रेट हो, उनके जो दिए गए हैं हम लोग को, ट्रूथ बोलना है, क्लीनिनेस रखना है, वो सब हम लोग करेंगे तो उनके लिए उनका बर्थडे सेलिब्रेशन ही है। ओके, सो दिस वॉज द फॉर गांधी बापू। ओके, वी आर मीटिंग आफ्टर 10 मिनट्स एंड वी वुड बी सॉल्विंग द वर्कशीट। ओके, जितना फटाफट हम लोग वर्कशीट सॉल्व करेंगे, वी वुड बी गेटिंग अ नेक्स्ट टाइम फॉर, आपको अगर डांस करना हो तो डांस, बिकॉज 3 दिन की छुट्टी है ना, 3 दिन की छुट्टी है, फ्राइडे सैटरडे संडे, तो हम लोग बहुत नहीं पढ़ेंगे, बट हाँ आपको पढ़ना है थोड़ा 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 करके है ना। ओके फाइन, सो वी आर मीटिंग आवर सेशन, मीटिंग यू आफ्टर 10 मिनट्स, 10 मिनट के बाद